हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द एंड इंस्टा। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं एल्ट ओजी स्मार्ट वॉच वर्सेस नॉइस कलेक्टेड कैलिबर गो स्मार्ट वॉच के बारे में। इन दोनों स्मार्ट वॉच की फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आपको कौन से स्मार्ट वॉच परचेस करनी चाहिए, क्योंकि इनकी प्राइस आपको सेम मिलने वाली है। दोनों स्मार्ट वॉच आपको अंडर 1500 रुपए यानी कि 1499 रुपए में मिल जाएंगे। तो अब देखा जाए कि आपके लिए कौन से स्मार्ट वॉच सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाली इस प्राइस पे। इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए और अच्छी लगी एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट और कंपैरिजन की वीडियोस जो लेके आते रहता हूं। तो आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये दोनों स्मार्ट वॉच आपको मेटल फ्रेम केसिंग के साथ में देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ में रेक्टेंगुलर डायल शेप में देखने को मिलने वाले। और इनके नेविगेशन बटन के बारे में बात करें तो दोनों में आपको सर्कुलर टैप नेविगेशन बटन का सपोर्ट जो है दिया गया और सिलिकॉन का स्ट्रैप जो है देखने को मिल जाएगा। अब डिफरेंस देखा जाए क्या मिलने वाला है, तो नॉइस कलेक्टेड कैलिबर गो स्मार्ट वॉच थोड़ा सा बॉक्सी स्टाइल में देखने को मिल जाएगा। इसका एज जो है थोड़ा सा बॉक्स टाइप का दिया गया, जबकि वहीं पे एल्ट ओजी स्मार्ट वॉच थोड़ा सा कर्व जो है दिया गया। तो यही माइनर सा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो एल्ट ओजी स्मार्ट वॉच में आपको 1.69 इंच की TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली, जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन 240x280 का दिया गया। साथ ही साथ में इसमें आपको 200+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस का भी सपोर्ट जो है मिल रहा है। जबकि वहीं पे नॉइस कलेक्टेड कैलिबर गो स्मार्ट वॉच में आपको 1.69 इंच की TFT LCD डिस्प्ले इसमें भी मिल रही, और इसका भी पिक्सल रेजोल्यूशन सेम दिया गया 240x280 का दिया गया, और इसमें भी आपको 150+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस का सपोर्ट जो है मिल रहा है। तो कहीं कहीं डिस्प्ले साइज और क्वालिटी आपको सेम मिलने वाली, वॉच फेसेस में कहीं कहीं ओजी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच के मेन डिफरेंसेस के बारे में, वो है ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट। तो एल्ट ओजी स्मार्ट वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट जो है मिल रहा है, यानी इनबिल्ट माइक स्पीकर डायल पैड कॉन्टेक्ट से कॉल हिस्ट्री का सपोर्ट मिल जाएगा। जबकि नॉइस कलेक्टेड कैलिबर गो स्मार्ट वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। हेल्थ ट्रैकर्स के बारे में बात करें तो हेल्थ ट्रैकर्स में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों में आपको SpO2 का सपोर्ट मिल रहा है, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप और उसी के साथ साथ फीमेल हेल्थ ट्रैकर्स का सपोर्ट जो है मिल जाएगा। और स्पोर्ट्स मोड को देखा जाए तो स्पोर्ट्स मोड में भी आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ओजी स्मार्ट वॉच में आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड मिलने वाले, तो अराउंड आपको 20-30 या 40 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। जबकि नॉइस कलेक्टेड कैलिबर गो स्मार्ट वॉच में आपको 40 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। तो स्पोर्ट्स मोड में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच के वाटर रेजिस्टेंस के बारे में, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलने वाला है। नॉइस कलेक्टेड कैलिबर गो स्मार्ट वॉच में IP68 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट जो है दिया गया, जबकि एल्ट ओजी स्मार्ट वॉच में IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट जो है दिया गया। और बैटरी बैकअप को देखा जाए तो 7-10 डेज का नॉर्मल बैकअप आपको दोनों स्मार्ट वॉच में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एल्ट ओजी स्मार्ट वॉच में आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट जो है दिया गया, यानी जल्दी में 10 मिनट अगर आप इस स्मार्ट वॉच को चार्ज में लगा देते हो तो यहाँ पे आपको सिंगल डे यानी कि एक दिन का बैकअप जो है मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात जो है देखने को मिल जाएगी। और स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट का सपोर्ट आपको दोनों स्मार्ट वॉच में मिलने वाला है, यानी सोशल मीडिया से जो भी नोटिफिकेशन है अपनी वॉच पे देख सकोगे, कैमरा भी कंट्रोल कर लोगे, म्यूजिक भी कंट्रोल कर लोगे, और ड्रिंक वाटर सैनिटरी रिमाइंडर जैसे सपोर्ट आपको दोनों ही स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाए। अब फ्रेंड्स, बात करें थोड़े से और डिफरेंस के बारे में, तो नॉइस कलेक्टेड कैलिबर गो स्मार्ट वॉच में आपको क्विक रिप्लाई का भी ऑप्शन जो है दिया गया, यानी टेक्स्ट और मैसेज का यहाँ पे आप क्विक रिप्लाई कर सकते हो, जबकि ये वाला फीचर आपको एल्ट ओजी स्मार्ट वॉच में नहीं मिलेगा। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखने को मिलने वाला है। अब देखा जाए कि आपको कौन से स्मार्ट वॉच परचेस करनी चाहिए, तो इन दोनों स्मार्ट वॉच की स्पेशल लॉन्च प्राइस थी 1499 रुपए, और आपको 1500 रुपए में ये स्मार्ट वॉच मिल जाएंगे। अब देखा जाए कि आपको कौन सी परचेस करना चाहिए, तो मैं तो यहाँ पे ये सब कुछ निकालने के बाद ये बोलूंगा कि आप परचेस करिएगा एल्ट ओजी स्मार्ट वॉच, क्योंकि आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, बस डिफरेंस क्या है आपको क्विक रिप्लाई ऑप्शन का सपोर्ट, बस यहाँ पे एल्ट ओजी स्मार्ट वॉच में यही नहीं मिल रहा है, बाकी सब कुछ यहाँ पे कैलिबर से अच्छा जो है देखने को मिल जाएगा। अगर आप क्विक रिप्लाई ऑप्शन को निकाल देते हो तो आप एल्ट ओजी को ले सकते हो, क्योंकि यही बेस्ट स्पेसिफिकेशन दे रही है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट पे और कोई स्मार्ट वॉच यहाँ पे लेने लायक नहीं। 1500 के रेंज में ये स्मार्ट वॉच काफी ज्यादा बेस्ट है। बाकी आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहाँ पर हम लोग डिटेल में बातें कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट और कंपैरिजन की वीडियोस लेके आते रहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अनबॉक्सिंग। टिक टिक साथ में, तब तक के लिए जय।